yes, trying to be consistent on YouTube. What's up? Welcome to another vlog. In fact, another travel vlog. हम जा रहे हैं मुंबई, मैं और अंशिका. We are actually going for Mama Earth Beautiful Indian Awards. But और भी बहुत सारी चीजें हम करेंगे because I am there for 3 days. 2 days, 2 full days and 2 half days. So I just wanted to take you guys along. I am excited because Anshika is going to Mumbai for the first time and उसके लिए ये बहुत ही amazing और exciting trip है. So it's going to be fun. और आज का दिन होने वाला है chaotic because I have a million things to take care of. जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ office shoot करने के लिए. It's already 11:30. तो मुझे 2 video shoot करने हैं. वो shoot करूँगी. I have a video to edit. Organic video है but I feel कि मैं वहाँ जाके edit नहीं कर पाऊंगी and then next week content नहीं हो पाएगा because I am trying कि मैं हर हफ्ते 3 videos तो कम से कम डाल पाऊँ. Long videos apart from the short videos. That's the agenda. उसके बाद I have to come back. I have to do like a little bit of waxing and everything. Underarms करने basically मुझे. And मेरा जो outfit है that I am going to wear for the awards, वो outfit from scratch है. अगर वो fail होता है then I have nothing to wear. Like literally I have nothing to wear. So this is one chaotic vlog. I think all my vlogs are chaotic, but this one is especially going to be extremely, extremely chaotic. So let's get on to the day, you guys, and we'll be packing also. मैंने अभी तक packing नहीं करी. I don't know why I am like that. मैं हमेशा last moment तक के लिए चीजें छोड़ देती हूँ. So yes, वापस आकर के वो सारे काम निपटा करके मुझे अभी packing भी करनी है. Thankfully अंशिका और मैंने मिलकर के हमारे outfits तो decide कर लिए थे. It's just that iron करना है और pack करना है. Now see you at the office. I am at the studio. Shoot almost आधे से ज़्यादा मैंने कर लिया है. अब बस मुझे talk through shoot करना है. That's my makeup for today. Look at this duochromatic eye shadow. Mars का है ये. बहुत ही अच्छा है. By the way, I'm just filming some new product launch वाला video. So दिख गया है. तो अब मनीष हमारे camera person है. बस अपना shoot निपटाती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं. शूट करने की कोशिश हम कर रहे हैं बट हमारे आवाज़ आ रही है घड़ घड़ नीचे. जस्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है. मेरे को वॉइस मतलब टॉक थ्रू करना है. अभी उतनी देर से बंद था. जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया वैसे ही स्टार्ट हो गया. एंड माइक में भी आवाज़ आ रही है. नहीं मैं सोचू मैं अभी खाना खा लेती हूँ तब तक. फिर देखते हैं शायद शांत हो जाए. वी हैव कड़ी चावल फॉर लंच. देखना तो बड़ा यम्मी यम्मी सा लग रहा है. मुझे ना कड़ी की पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं. सैडली अब ना मेरे मसूड़े फूल जाते हैं. TMI. प्रॉब्लम विद व्लॉगिंग इज कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग कर रही हूँ. वेल शूट रैप अप करके मेकअप रिमूव करके आई जस्ट गॉट बैक होम. अभी मैं एक्चुअली बेसमेंट में हूँ तो क्वालिटी बहुत ख़राब होगी इस वक्त फुटेज की. बट मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का. वो आएंगे तब मेरी गाड़ी लग जाएगी एंड देन आई विल गो टू द सैलॉन. जो भी मेरा काम करवाना है मुझे वो कराऊंगी. देन आई विल गो टू द बुटीक. मुझे मेरा आउटफिट भी पिकअप करना है वहाँ से एंड देन वी विल पैक. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड देन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बाय द वे आई जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम द ऑफिस ऑल्सो जो मुझे लेके जाना है. मेरा बैग बस ओवर वेट ना हो जाए. दैट्स द ओनली कंसर्न आई हैव राइट नाउ. सुबह 4 बजे उठ गई थी तब से जल्दी हुई हूँ. इतनी ज़ोर की नींद आ रही है ना इस वक्त. वेल आई गॉट माई हेयर एंड माई नेल्स डन. अभी मैं जा रही हूँ अपना आउटफिट चेक करने. ये मैं ले आई हूँ अभी. अब घर जा कर के इसको ट्राई करेंगे फिर देखेंगे कि कैसा बना है. बहुत ही बुरा हुआ है मेरे साथ. सो आई एम गोइंग टू मुंबई और मेरे पास आउटफिट नहीं है जो मैं मामा अर्थ के इवेंट पर पहनूंगी. जो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनवाया था उसके साथ में बहुत ही मेजर डिज़ाइन इशू हो गया है. वो मैं ना पहन पा रही हूँ ना मैं उतार पा रही हूँ एंड आई डोंट हैव टाइम अब कि मैं उसको ठीक करवा पाऊँ. सो वील फिक्स दैट व्हेन आई एम बैक. बट फिलहाल के लिए मैं बस अब मम्मी की साड़ियाँ देखने वाली हूँ. सारी साड़ियों से गो थ्रू करूँगी एंड आई विल सी व्हाट आई कैन वेयर. प्रॉबेबली साड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि ब्लाउज का टेंशन नहीं, पेटीकोट करते मतलब स्टिच का टेंशन नहीं है. बनी बनाई साड़ी है बस पहननी है. सो लेट्स फिगर आउट
what we will be wearing for the event. I am so stressed out and अभी packing भी करनी है. Found this dress, ये मैंने Shein से लिया था कई सालों पहले and ये एकदम बढ़िया तरीके से रखा हुआ था. So I'm thinking I'll wear this and अभी इसके साथ मुझे shoes और bag change करना, तो वो मैं change करने जा रही हूँ. But I think this will save me. ये अच्छी लग रही है. वही बैग और शूज लिए थे ब्लैक कलर में बिकॉज आउटफिट के साथ में जाता. नाउ दैट माय होल आउटफिट हैज चेंज्ड, मुझे ये भी चेंज करके जाना पड़ रहा है. सो लेट्स ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. फाइनली पैकिंग डन. मेरी कमर का बाजा बज चुका है बट इट्स ऑल डन. अभी जो कुछ भी बचा हुआ है वो सुबह देखूंगी मैं. मेरे से अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही. मेरा मन कर रहा है बस मैं अब सो जाऊं. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग. द नेक्स्ट डे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग टू मुंबई. वाओ, आई एम एक्साइटेड. मैं थोड़ा सा धीमे धीमे इसके बोल रही हूँ क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं. सुबह का 7:15 होने वाला है. डोंट इग्नोर माई शक्ल क्योंकि बड़ी ही खराब हो रही है. कोई बात नहीं, हम इसको फिक्स करेंगे थोड़ी देर में. अभी बस मैं अंशिका का वेट कर रही हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग अंशिका टू मुंबई. शी इज ऑल्सो एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. दिस इज माई फर्स्ट एवर ट्रिप विद हर. इट्स हर ट्रिप विद मी, सो वी आर गोइंग टू हैव फन. लेट्स गो मुंबई. अंशिका कैसा लग रहा है मुंबई जाते हुए? एक्साइटेड हूँ. नहीं, कल से डर सा लग रहा है. नींद आई? फर्स्ट टाइम नहीं. कोई नहीं, और मैं भी अंशिका को डोसा भी खिलाऊंगी कर्नाटक कैफे का अगर हमारे पास टाइम रहा तो. दीदी ने सजेस्ट किया था और दीदी ही फाइनली खिलाने वाली है. यस, हाँ, मैं कहता कभी जाओ तो मुझे क्या पता था मैं खिला लूं. अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट. वी आर ऑन आवर वे एंड अंशिका ने मुझे जस्ट अभी पिक किया है. तो सी यू एट द एयरपोर्ट. आई जस्ट रियलाइज कि हमारी फ्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से है, टर्मिनल 3 से नहीं है. तो अंशिका का डोसा प्लान हो गया है कैंसिल. मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ. मैं अंशिका को बोल रही हूँ अंशिका मैं तुम्हें डोसा नहीं खिलवा पाऊंगी. मैं दीदी से बोल रही हूँ मुझे नेक्स्ट ट्रिप पे लेके जाना. पक्का? सिर्फ डोसा खिलाने के लिए. अब हम पहुंच गए हैं, लाइक चेक इन कर लिया है हमने. वी आर एट द एयरपोर्ट. हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम अब कुछ खाएंगे और टाइम किल करेंगे. क्या इसमें बेचारी दो दिन से ही भाग रही है बेचारी है. तो इसको कुछ अच्छा सा खाना खिलाते हैं. ठीक है, मैंने लिया है उपमा और अंशिका ने लिया है पोड़ी इडली विद सांभर एंड चटनी. और मैंने भी दोनों टेस्ट किए, दोनों ही बहुत टेस्टी है. सो या इट्स निधि अप्रूव्ड. अंशिका, हाउ इज द फूड? बहुत टेस्टी है. डोसा नहीं खिला पाई मैं तो, मैं इडली से काम चला पोड़ी इडली से. हम मैं बैक कैमरे से शूट करी थी और फ्रंट कैमरा ऑन था. तो इस एयरपोर्ट पे ज़्यादा कुछ है नहीं खाने को, तो इसीलिए दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन. एंड ऑनेस्टली टेस्ट सही है, बढ़िया है. अब इसका फ्लाइट में भी खाना मिलेगा तो इसलिए हमने सोचा हल्का हल्का ही खाते हैं. अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है बट अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि लाइन बहुत लंबी है तो हमें लाइन में नहीं खड़ा होना, इसलिए हम लास्ट में जाएंगे. फाइनली वी आर इन द फ्लाइट. अंशिका को मिली है विंडो सीट. मजे करेगी अंशिका, मेरे को तो चाहिए भी नहीं होती विंडो सीट. मोमेंट मोमेंट होती है बट बस 2 घंटे बाद आप मुंबई में होंगी. मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस करा रही है अच्छे से. चलो सी यू गाइस इन मुंबई. Thank you.
एक्चुअली मैं 2 साल के बाद आ रही हूँ. लास्ट टाइम जब मैं आई थी KBC के लिए आई थी, 2 साल हो गए यार. टाइम जल्दी जल्दी निकल जाता है. हम पहुँच गए हैं हमारे होटल. होटल की पिक्चर्स जब मैंने देखी थी तो था कि वाओ कितना अच्छा होटल है. दिस इज़ एक्चुअली कंट्री इन बाय एंड स्वीट्स. बट पहुँच के पता चला कि कैसा तो जगह है. मेरे अरमा आंसू में बह गए. पैसे खर्च करने के बाद भी अगर अच्छी चीज़ नहीं मिलती ना तो बुरा लगता है. द रूम इज बिग बट देर आर सम अदर इशूज, एस्थेटिक इशूज, तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे. अदरवाइज बाकी तो चीज़ें ठीक है. डोर का जो है नॉब तक टूटा हुआ है, लाइक जो ऊपर कुंडी लगाते हैं ना वो टूटी हुई है, तो उसके लिए मुझे बात करना पड़ेगा. बिकॉज रात को इट्स अनसेफ. हम सिर्फ वो लॉक लगाया है जो कि चाबी से खुल जाता है. सो बस एक वो चीज़ है. उसके अलावा पहुँच गए हैं हम मुंबई. और आज का प्लान अभी हम डिसाइड करेंगे मैं और अंशिका बैठ करके कि हमें करना क्या क्या है, क्या क्या करना है अभी डिसाइड करते हैं. और थोड़ा सा नहा लूँ, इतना पसीना आ रहा है ना भगवान. मैंने अंशिका को बोला था जब मैं हम यहाँ उतरेंगे ना तब तुमको पता चलेगी. और सच में बाहर निकलते साथ ही इट्स लाइक जून की गर्मी दिल्ली की यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है. तो पूरा सब पसीना पसीना हो रहा है. तो आई विल टेक अ बाथ एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, कहाँ जाना है. तो हमारा रूम चेंज हो गया है. वी आर इन अ डिफरेंट रूम. रूम सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है. वैसे रूम बड़ा है उसको. आई थिंक आई विल गिव इट टू दैट. एंड आई थिंक बिकॉज ये अंधेरी में है ना तो इसलिए यू कैन डू मच अबाउट इट, है ना. बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है बट बहुत सस्ता भी नहीं है. एंड दिस वन हैज़ कुंडी तो मुझे वो शांति रहेगी रात को सोते वक्त कि हाँ कोई अंदर नहीं घुस सकता. बट ना उस वाले को तो खुल के कोई भी अंदर हो जाएगा. चलो लाने जा रही हूँ नहाने, सारा पसीना सीना अपना धो करके फिर हम जाएंगे बैंड्रा आज. बट वो आप इस ब्लॉग में नहीं देखोगे कि हमने बैंड्रा पे क्या क्या किया. वो आपको मिलेगा दूसरे ब्लॉग में. थोड़ा बहुत स्निपेट्स डाल दूंगी कि हमने क्या किया इसके बाद. बट एक्चुअल में बैंड्रा में हमने क्या किया और हमने क्या क्या चीज़ें देखी वो सारा कुछ आपको मिलेगा एक सेपरेट वीडियो में, जो कि मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से शूट करने का प्लान कर रही हूँ. मेरे माइंड में तो कुछ है बट लेट्स सी कितना कन्वर्ट हो पाता है. सो सी यू इन अ बिट. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो हमने ऑर्डर किया मैकडॉनल्ड से. आज मैंने इतना स्यापे करे है ना. सो मैं कई बार बर्गर ऐड करी थी फिर हटा रही थी, फिर बर्गर ऐड करी थी फिर हटा रही थी. मैं वेज बर्गर खाती हूँ. आई लाइक वेज बट ऐसा नहीं चिकन नहीं खा सकती मैं. एंड पहले वेज ऐड किया था फिर डिलीट करा फिर दोबारा ऐड किया तो गलती से चिकन बर्गर ऐड कर लिया. फिर मैं इतनी कोशिश करी कि मेरा बर्गर चेंज हो जाए बट अब मुझे सड़ा हुआ चिकन खाना पड़ रहा है. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे चिकन बर्गर. आई मीन चिकन में कोई टेस्ट ही नहीं होता. जो टेस्ट आपको वेजीज में मिलता है, आलू में मिलता है, वो टेस्ट चिकन में कहाँ. खैर फिलहाल एंजॉइंग माय मैक महाराजा. गेटिंग रेडी. लेंसेज लगा रही है अंशिका धूप में जाने के लिए. कहाँ जाने वाली हैं आप, क्या पहनने वाली हैं आप? ये तो मैं अभी डिसाइड करूँ. अच्छा इतनी बड़ी अटैच लेके आई हूँ जिसमें 4 कपड़े हैं. मैं यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाऊंगी इसलिए मैं 4 कपड़े लाई. क्या 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 क्या. मैंने अंशिका को बोला था कि कम कपड़े रखना जिससे कि हम शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे सामान भर सके उसके अंदर. वाओ 1, 2, 3 हम हैं 2 लोग और 3 सूटकेस. 4 बैग लिए. 4 और एक छोटा खाली बैग भी लाए ये वाला कि हमारे पास अगर सामान ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको भर लेंगे. ये भी है, एक हाँ एक ये भी है. अब कितना बैग लेकर आए हम. हम सब में लेके जाएंगे. सब सारा कुछ यहीं से शॉपिंग करेंगे. क्या 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 क्या. मेरे साथ एक बहुत बड़ा खेल हुआ जो कि आई थिंक मैंने कल बताया भी था. सो जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच मैंने बनाया था इवेंट के लिए वो मेरा तुम लोगों को पता ही है कि क्या इससे आप पे होगा उसके साथ. नहीं. देन आई हैड नथिंग टू वेयर, लाइक लिटरली आई हैव नथिंग टू वेयर, नथिंग टू वेयर. उसके बाद मेरे को एक आउटफिट मिला जो कि मैंने 3-4 साल पहले 5-6 साल पहले शीन से खरीदा था. तो आई एम थिंकिंग कि मैं वही पहनूंगी. बट अभी हम क्योंकि निकल ही रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मार्केट में भी देख लेंगे, लाइक मॉल वॉल चले जाएंगे देख लेंगे कुछ ढंग का आउटफिट मिलेगा तो आई विल बाय समथिंग फ्रॉम हेयर ओनली. नहीं तो फिर बैकअप में हमारे पास है वो रखी वो ग्रीन ड्रेस, ये वाली ग्रीन ड्रेस ये पहनने वाली हूँ मैं.
और पता है हम जा रुके हैं ना, ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, तो यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है, तो बैकग्राउंड में आप लोग को आवाजें आ रही होंगी। नहीं ये मारा छक्का। अब मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि इन्होंने जो है कई सारी बाउंड्रीज रोकी हैं और ये ही एक अच्छे फील्डर की पहचान होती है। बड़ी सी पीछे कमेंट्री चल रही है, और हमारी जो विंडो है ना, विंडो के जस्ट बाहर इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, लाइक वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल है, इस होटल का नहीं है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। खैर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से हिलूँ, इतना सारा खा लिया है मेरा पेट यहाँ तक भर गया है। बट अभी अंशिका मुझे जो है धक्का मारने वाली, दीदी अब बस करो अब उठ जाओ। हाँ मिशन के लिए आए, मिशन मुंबई। हम रेडी हो गए, हमारे टाइम से हम काफी लेट चल रहे हैं। माय आउटफिट, ये कुर्ती डेनिम, हाँ तेज जूतीज, कैमरा, ये जूते, ऑल्सो रेडी लुकिंग ऑल क्यूटी क्यूटी। और तो हमने बुक कर लिया है, अब हम जा रहे हैं बांद्रा फोर्ट पहले, फिर जाएंगे हिल रोड, फिर हम जाएंगे एक इको चाट पे चाट खाने के लिए। वो हमें खुद फॉलो कर रही है। अंशिका प्रो हो गई है व्लॉग करने में, व्लॉग एडिट करते करते अंशिका को व्लॉग करना आ गया है। ये बात बिल्कुल सही है। आजकल मेरा मोए मोए दिन चल रहा है, तो मेरा फिर से मोए मोए हो गया है अंशिका। इतना तैयार होने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम आए थे बांद्रा फोर्ट, वो बंद हो चुका है, हम एकदम राइट ऑन क्लोजिंग टाइम पहुंचे हैं। हम धूप से बचने के लिए शाम को आए थे और शाम में हमारा मोए मोए। तो अभी हम मे भी कल सुबह आ सकते हैं। हाँ। है ना, क्योंकि यहाँ से मरीन ड्राइव वगैरह पास ही है, मतलब पास नहीं है, एक घंटे का रास्ता है। कल सुबह या परसों सुबह? हाँ परसों सुबह भी आ सकते हैं, राइट, परसों सुबह फिर से हम कोशिश करेंगे। बट फिलहाल हम जा रहे हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर हम तैयार हैं कुछ तो फायदा उठाने का। सही बात है, वो सही बात, तब बुरा लग रहा है ना, क्या ही बोलूँ इतना। और हमारा ऑटो वाला जो भैया थे ना, उन्होंने इतनी फास्ट चलाई थी ना, एकदम ही क्या बोलते हैं, रॉकेट की स्पीड से, फिर भी हम 6:30 से पहले पहुँच गए। बट नहीं पहुँच, तीन मिनट पहले पहुँच। कोई नहीं, चलो अभी हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट समय क्या करना है, फिर वी विल अपडेट यू गाइस। हमको बांद्रा फोर्ट नहीं मिला, बट हम बैंड स्टैंड होके आए, वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, इस लड़की को बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा, इतनी शांति थी, हमने बहुत सारे फोटो क्लिक किए और बहुत अच्छे अच्छे फोटो आए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते। प्रो हो गई, प्रो। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे बढ़े हम, तो सामने हमें मन्नत दिखा, हमने कहा चलो फोटो खींच ही लेते हैं। इस वीडियो में तो सिर्फ हम आते हुए दिखेंगे, एक और वीडियो बनाया है वो देखो जाकर। फिलहाल हम एक और जगह पर जा रहे हैं जिसके लिए बहुत चढ़ाई करनी पड़ रही है, मेरी सांस फूल चुकी है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। फोन की बैटरी फुल चार्ज है। मैंने एक स्ट्रेटेजी करी थी, मेरे फोन से शूट हो रहा था इसलिए मेरा फोन फुल चार्ज था।
यार अभी मेरा फ़ोन चार्ज होने में कितनी देर लगेगी, मेरे पास चार्जर नहीं है मेरा वाला, तो उससे आधा पौना घंटा एक घंटा दो घंटा लगता है, आधा पौना एक घंटा दो घंटा सब। मेरा फुल 89% था बट बहुत जल्दी ड्रेन हो गया। कोई नहीं, हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं अभी क्योंकि हमारे पैरों में दर्द होने लगा था, तो हम यहाँ बैठ गए। मेरे जूते बहुत ही अनकम्फर्टेबल हैं और मैं एक टांग से लंगड़ी हो चुकी हूँ, तो मैं आराम आराम से चल पाती हूँ। बुढ़ापे का पूरा आगाज़ हो चुका है। तुम्हें भी हो गया शू बाइट? शू बाइट हो गया। हम जा रहे थे जुहू और जाते जाते हमें रास्ते में दिख गया मार्केट, तो बीच रास्ते में मार्केट में उतर गए। सही में हाँ, और हमने खरीदा कुछ नहीं, हमने कुछ भी नहीं खरीदा। देख दाख के हम वापस जो है यहाँ आ गए। अच्छा भला जुहू जा रहे थे, जुहू जाके बीच इंजॉय करते, ठंडी ठंडी ना, क्यों वो क्यों करना है? हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, हमारे पैसे भी वेस्ट हुए, और अब हम वापस होटल आ गए हैं। और या हाँ, अभी एक्चुअली मेरी दीपांशी से भी बात हुई है, तो प्रॉब्ली हम अब उससे मिलेंगे, वी विल इन्जॉय सम। अच्छा लिफ्ट आ गई। हाँ तो दीपांशी चिल्बी, एक चिल्बी, हम चिल्बी से मिलने वाले हैं, वो भी थोड़ा सास ऐड करेगी इस ब्लॉग में, वरना हम दोनों की शक्लें देख देख के बोर हो गए। वो थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएंगे, ट्विस्ट लेकर आएंगे अपना मजा। हम कहीं ना भी जाते सब उसके बाद गप्पे लड़ाते तो हमें मजा आता, बट वी आर गोइंग समवेयर विद हर। बस तो मैं थक चुकी हूँ, बट फिर भी तुम तो ज्यादा आती साथ एडिटिंग में लग गई मैडम। मैं तो पढ़ गई थी, तो प्लेन में भी खूब सोई हूँ, आकर भी खूब सोई हूँ, सोती ही रही हूँ। आए हैं येड़ा रिपब्लिक टू मीट दीपांशी। ओ भाई देखा सिंदूर इंदूर लगा कर आई है।